हाँ आशा साहब, तो कितना पैसा लिया तुमने चड़का पकाने के वास्ते? आई शपथ, ठंड से ढेले भर का भी संबंध नहीं था। तो फिर उसका कमरे में ये सब सामान कहाँ से आया? फिराज इलेक्ट्रिक वाले का था, मस्ती पैसों साला। दिन भर किसी न किसी से पंगा लेता रहता था साहब। एक दिन तो सिलेंडर उड़ा दिया उसने किचन में, तब से गैस की जगह लकड़ी पे खाना बनाना पड़ गया। लकड़ी का एक आध फट्टा लेकर आया होगा साहब। बात चुप करके बता दे, पिस्टल कहाँ से आया टिन के पास? मेरे को नहीं मालूम साहब। मतलब इतना बड़ा कांड ठंड सुमरी में तो नहीं कर सकता ना? अंदर का हेल्प जरूर मिला था उसका। उसका कब्र बाहर से अंदर, अंदर से बाहर कौन करता था? बताओ कौन कौन मिलने को आता था उसको? कोई भी नहीं साहब, पिछले 5 महीने से इसको मिलने को कोई भी नहीं आया। हाँ, इलेक्ट्रिक वाले को आता था हफ्ते में 2 बार, अलग अलग। उसका पंटर लोग जब भी आता तो उसके पास बहुत माल होता था साहब, सबको खुश रखता था। विजिटर लोग को तो अपन भी मिलने को देता था, बस इतना ही साहब। सिगरेट लाइटर उसके पास? सिगरेट? सिगरेट बीड़ी तो वो पीता भी नहीं था। ठंड तो कैंटीन में पीता था, बैरक में किसी को अलाउ नहीं था ना साहब। हाँ, लेकिन एक बात था,